कोरोना के चलते लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भले ही कांगड़ा में सरकार नाम की व्यवस्था को स्थापित करने पहुंच चुके हों, लेकिन पहले ही दिन का उनका दौरा सवालों के घेरे में आ गया है। विपक्षी दल कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा ने उनके दौरे के दौरान उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियों को रडार पर ले लिया है। सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुखिया के स्वागत सत्कार में भीड़ इस तरह से बेकाबू हो रही है जैसे कोरोना इस प्रदेश से खत्म हो चुका हो, जबकि दूसरी तरफ इसी कोरोना से बचने के लिए सरकार ने सख्त गाइडलाइन जारी कर रखी हैं, जिनके तहत विपक्षी दलों के नेताओं, कई गैर सरकारी संगठनों, आम लोगों, मीडिया वर्ग के कर्मियों के खिलाफ उल्लंघना के मामले दर्ज किए हैं। सवाल तो ये उठता है कि सरकार प्रदेश में ऐसे दोहरे मापदंड क्यों अपना रही है। सत्तासीन लोगों के लिए कोई नियम कायदा नहीं और आम लोग उल्लंघना के फेर में फंस रहे हैं। सुधीर शर्मा ने मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से ये सवाल पूछा है कि क्या सरकार ने प्रदेश में दोहरा कानून लागू कर रखा है। कांगड़ा प्रवास के दौरान ये देखा गया, जितनी भी फुटेज अभी तक आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार की गाइडलाइन का जो है वो पालन नहीं किया गया है। न कि सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन नहीं हुआ, लोगों ने मास्क भी पहन नहीं रखे हैं। तो जब इस तरह से प्रदेश के मुखिया के दौरों में ही नियमों का पालन नहीं होगा तो प्रदेश की जनता से क्या उम्मीद रखी जाती है कि वो पालन करे या ना करे। और आपने देखा होगा कि जब से ये प्रवास शुरू हुआ है जगह जगह पर इस प्रकार से जो है वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं जैसे कि कोरोना नाम की कोई चीज ही नहीं रही है। और जो बाकी लोग हैं, चाहे वो दूसरी दलों के नेता हों या पत्रकार हों या सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हों, उनके ऊपर जो है वो कई तरह के केस बनाए गए हैं। आज प्रदेश के अंदर ही हजारों की संख्या में लोगों के ऊपर जो है वो कोरोना के दौरान कई प्रकार के केस बने हैं, उनके चलान हुए हैं। तो क्या ये दोहरे मापदंड जो हैं वो प्रदेश के अंदर हैं कि एक पक्ष जो है उसके ऊपर हर तरह का कानून चलेगा और जो सत्ता में है वो खुलेआम जो है इसकी धज्जियां उड़ाएंगे, ये मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं।